नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पखावज वादन में ताल धमार का बहुत ही बड़ा स्थान है। ताल धमार ऐसे वीर रस और सौंदर्य रस दोनों के प्रतीक है। वीर रस इसका जो है धमार, एक नाम ही ऐसा है कि धर और मार, धर और मार, ये की होता है वीर रस इसका। और इसकी वादन शैली भी वीर रस की होनी चाहिए। और एक धमार का मतलब होता है सौंदर्य, जैसे भगवान कृष्ण और राधा जब वो रास रचते थे तो वो भी धमार बोला जाता है, वो भी धमार बोला जाता है कि आपस में फाग खेलते हैं। इसीलिए धमार गायन में होली का जिक्र जरूर रहता है। ताल धमार जो ध्रुपद के अंतर्गत आती है, हैं तो इसलिए ताल धमार दोनों का प्रतीक है। तो इसलिए मैं पखावज पे धमार ताल अभी करने जा रहा हूँ। और इसमें मेरे साथ पखावज पर श्री ऋषि शंकर उपाध्याय और एक तरफ हैं सुश्री महिमा उपाध्याय, और हमारे साथ हारमोनियम पे श्री विनय मिश्रा जी साथ दे रहे हैं, और तानपुरे पे सुश्री मिलन उपाध्याय। तो लीजिए, ताल धमार आज प्रस्तुत कर रहे हैं। और उसके पहले मैं एक भगवान शिव जी का एक स्तुति छोटी सी सुनाता हूँ। डीमक डिम डिम 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 बजत डमरू बहत गंग जटा मुख में मृदु मकिट चंद्र ललाट शोभित भस्म मुंडन माल गौरी पति हरि हर हर महादेव बनहि देव प्रणाम धाकद्दा मुंडन माल गौरी पति हरि हर हर महादेव बनहि देव प्रणाम धाकद्दा मुंडन माल गौरी पति हरि हर हर महादेव बनहि देव प्रणाम धाकद्दा। वाह, क्या बात है। Thank you.
देला। खंड से है ये।
टंग होता है धागे गेगे तागे गेगे झाला, इसको देखें। मेरे घराने का बहुत अच्छा ये पेंच है, धागे गेगे तागे गे बाया का वर्क।